हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज पढ़ाई में आप सबको मजा भी आने वाला है। जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और जबरदस्त भी होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी वीडियो को जितना हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आकर एकदम धमाल मचा सके और कमाल कर सके। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, टाइम हो गया है तो क्लास स्टार्ट भी हो गया है। आरती, सीता, यहाँ पर संजीव, चलिए राम राम भाई। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को जितना हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे स्टूडेंट से नहीं हो, जल्दी जल्दी सभी लाइव में जुड़ जाओ। और आज का कमाल का क्लास, कमाल का सेशन जो है शुरू हो चुका है। आपके सामने क्वेश्चन का जो है ना भरमार लगने वाला है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और जबरदस्त होने वाला है और एक एक क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी आ चुके? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, सभी आ चुके। वंदना, साहेब कुमार, चलिए गुड मॉर्निंग। मेरा बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए इंग्लिश का 100 मार्क्स का यह वीडियो कमाल का होने वाला है। आप आर्ट्स लिए हो, साइंस लिए हो या कॉमर्स लिए हैं, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपके लिए यह वीडियो जबरदस्त और बहुत ही खास होने वाला है। आपको बता दें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको यहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम एग्जाम में आपको पूछेगा। आप लोग इसको समझ लीजिए, वायरल वीडियो है, समझ गए? वायरल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। गुड मॉर्निंग अर्चना, चलिए बहुत बढ़िया, मेरा बहुत क्लियर आ रहा है तो आप लोग यस यस लिखिएगा लाइव चैट में, समझिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी अभी शेयर नहीं किए मेरे प्यारे स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। न्यू स्टूडेंट एंड भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 100 में 50 क्वेश्चन आज हम कर, यानी 50 में 50 by 50 आपको आज सही करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कमाल करना चाहते हैं तो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, समझ गए? और एक एक क्वेश्चन का, एंड हाई थिंकिंग इज द वेस्ट ऑफ डॉट डॉट, क्या हो जाएगा आपके सामने? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट डॉट, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? कमाल तरीके से सभी का आंसर आना चाहिए। मेरे शेयर एंड सेनी हो, फटाफट आंसर लगाओ क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए मेरे शेयर एंड सेनी हो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाओ क्या होगा? डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या होगा? एजुकेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का शानदार 100% राइट आंसर है, कमाल का आंसर है। चलिए फटाफट इसी प्रकार सभी को आंसर लगाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्लीज पैसेज ए पिंच ऑफ स्नेप, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा? चलिए बहुत सुंदर, क्या होगा? हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोसेज पीसेज ए पिंच ऑफ स्नेप, क्वेश्चन में पर जो बच्चे लगा रहे 3 का राइट आंसर क्या लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, मनोहर मनगोलकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में क्या होगा? सी वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगा। पता नहीं आपका क्लास में सर जी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई, आज अभी हमको जो है 15 दिन बेड रेस्ट दिया हुआ है, तो हम अपना जो है बिछावन यानी बेड पर से क्लास लेते हैं, तो इसलिए जो है उसमें जो है वाईफाई जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, समझ गए? फिर अपना जो है स्टूडियो में सेटअप लेंगे तो उसके बाद आपको जो है नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं चलेगा, समझ गए? आपको पता ही है, सभी को पता है हम एक्सीडेंट कर गए हैं। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, अब ठीक चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा लो क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का था क्या? आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश, किसने डिलीवर किया था? किसने आई हैव ए ड्रीम को जो है पार्ट ऑफ ए स्पीच को डिलीवर किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का 100% राइट आंसर है, कमाल का आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन में आपके सामने आ चुका है, अनिमिका, अर्चना, अजय, विक्की,
क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, थोड़ा बड़ा कर दे क्या और अच्छे से दिखेगा, तो रहने दीजिए। चलिए, इन डॉट डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताओ क्या होगा, इंडिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बहुत बने आप, चाइना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बाल बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर लगाना है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज रिटेन द पीस द आर्टिस्ट, चार ऑप्शन दिया गया, जल्दी बताओ, चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन में जो बच्चे 6 का राइट आंसर लगाने के लिए सीगा नो या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थोड़ा जूम कीजिए ना, ठीक है एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा, द सेकेंड चीप स्कोर ऑफ द न्यूज पेपर रिवेन्यू इज डॉट डॉट, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, जल्दी से बाद में द वेल्थ ऑफ ओनर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बाल बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए मेरे शेयर आंसर नहीं हो, क्वेश्चन में 8 का आप लोग आंसर लगा क्या होगा, द अर्थ इज ए डैश क्या है, ड्रामा है, पोएट्री है, स्टोरी है, ये ऐसे है क्या है, जल्दी बताओ, द अर्थ की बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेयर बहुत बढ़िया, क्या है, द अर्थ इज ए स्टोरी है, क्या है, स्टोरी है, राइट ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए मेरे शेयर ऐसे नहीं हो, बहुत बढ़िया आंसर लगाने, अर्चना, बिक्की, साहेब, अजय, चलिए बहुत सुंदर, निमिका। चलिए क्वेश्चन अब आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा, इंडियन थ्रो एम ट्रेवल्स इज ए इन स्प्रिंग, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, बाद में क्या जगह एसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में 10 का आंसर लगा, दैट इज ए लॉर्ड ऑफ माय बैक साइड, चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन में लगा राइट आंसर क्या होगा, चोकोब, लेम्बो, सोमो या रोम्बो, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का, बहुत बढ़िया, दैट इज लॉर्ड ऑफ माय बैक साइड, चोकोब हो जाएगा, राइट ऑप्शन में क्या होगा, क्वेश्चन में जो बच्चे ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। गुड मॉर्निंग भाई अरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कल जो है टेस्ट लगवाए थे उसका रिजल्ट भी जारी करेंगे, क्वेश्चन 11 का आंसर लगा, जॉन डॉन फील दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा जल्दी से लगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, अरे वाह, जॉन डॉन फील्स दैट ए मैन मैन इज वेरी होपलेस हो जाएगा, राइट ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शालिनी यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, लाइन द फर्स्ट लाइन लिन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट डैश डैश डैश, यानी जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, फटाफट लाइट आंसर लगा, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, बाद में वाल्टर व्हाइटमैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या वाल्टर व्हाइटमैन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बाल बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी को मजा आ रहा है, चलिए सॉरी आई एम लेट, अरे कोई बात नहीं सालने, क्लास का टाइमिंग 8 बजे से है, सभी स्टूडेंट 8 बजे तैयार रहा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द लीव्स आर फीलिंग डॉट डॉट डॉट, चार ऑप्शन आपके सामने है, 13 का राइट आंसर क्या होगा, डॉट डॉट की जगह क्या लगाएगा, द लीव्स आर फीलिंग फास्ट हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फास्ट, राइट ऑप्शन में जो बच्चे ए लगा रहे हैं उनका शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाओ क्या होगा, क्या होगा, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश डॉट 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 हर, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेयर आंसर नहीं हो, फटाफट आंसर लगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो बच्चे लगा रहे हैं क्या लगा रहे, रिमेंबर
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होगा, रिमेंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन अभी क्या होगा, द पोएट फील्ड feels that after his death nobody will remember her, क्या होगा, remember her, right option में भी वाला बच्चे का 100% right answer है, कमाल का answer है। चलिए मेरे students से नहीं हो, एकदम question को जाना बारीकी से देखना, याद कर लेना, live में ही याद कर लेना, ताकि exam में जाकर एकदम कमाल कर सको, तहलका मचा सके। चलिए अब क्वेश्चन में 15 आ चुका है, this is a master of criminal, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा, सॉरी क्या होगा, दिस इज ए मेजर ऑफ क्रिमिनल, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, बाद में क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे, क्या लो मैकबीटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका आपके सामने यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, स्नेक इज रिटेन बाय, यानी स्नेक के लेखक कौन है, जल्दी बता, स्नेक इज रिटेन बाय, 16 का राइट आंसर, मेरे शेर बहुत बढ़िया, ड्यू बैंक, अरे वाह भाई वाह, सॉरी ड्यू बैंक लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा लाइव चैट का ऑप्शन जो है थोड़ा पीछे रखा हुआ है, समझे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आता, अर्चना मैंने लाइक कर दी, बहुत बढ़िया, ड्यू ब्लैंक ठाकुर, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, गब्बर आएगा, चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठाकुर जी बच गए, चलिए अर्चना कुमारी बहुत सुंदर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, स्नेक इज रिटेन बाय, क्या हो जाएगा, डी एच लॉरेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन क्या होगा, सी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ चुका है 17 का, आप लोग आंसर लगाओ, क्या होगा, कमाल का क्वेश्चन है ना, सी नोटिस्ड द डॉट डॉट बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा, 17 का क्या होगा, राइट आंसर लगाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि कुमारी भाई, बहुत बढ़िया, चलिए सालनी, चलिए बहुत सुंदर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, सी नोटिस्ड ए डॉग, क्या होगा, डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया अर्चना सालनी, दिल खुश, बहुत बढ़िया अंजलि, यहाँ पर ठाकुर जी भी एकदम कमाल कर रहे हैं, यहाँ पर कौन है, मूवीज क्रिमिनल, क्या लिखा हुआ है, सिनेमा, बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन 18 का आप लोग आंसर लगाइए, क्या होगा, क्वेश्चन 18 कहता है केकी नानू दारू वाला बिलोंग्स टू दैस रिजाइंस, चार ऑप्शन आपके सामने है, रिलीजन, चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या होगा, केकी नानू दारू वाला बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहता है इंग्लिश लैंग्वेज इज द डेन, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, ईटीसी, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्या लगा रहे हैं, मुच यंगर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, क्या हुआ, देयर आर दस मेन प्रिजोडेस इज द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, अरे वाह चबास, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी का 3, फटाफट क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाच को आपके सामने 21 कहता है न्यूयॉर्क इज द डॉट डॉट लार्ज सिटी, चूज द सुटेबल आर्टिकल, इसमें कौन सा सुटेबल आर्टिकल लगेगा, जल्दी बता, न्यूयॉर्क इज दैस लार्ज सिटी, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे, क्या लगा रहे, ए लार्ज सिटी हो जाएगा, क्या होगा, ए लार्ज सिटी, राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाओ, क्या होगा, द थीप वाज सेंट टू दिस प्रिजन, चूज द सुटेबल आर्टिकल, इसमें कौन सा सुटेबल आर्टिकल लगेगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, समझ गए, यहाँ पर कोई आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए
अब क्वेश्चन आ चुका है 23 का था, आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फ्रेंड, आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फ्रेंड, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, का पेसिव वॉइस बनाइए क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगा, जल्दी से, पेसिव वॉइस क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पहले लाएंगे उठाकर, माई फ्रेंड हैज बीन लगाएगा, हैज बीन रिटन ए लेटर टू, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सुंदर, सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होगा, माय फ्रेंड हैज बीन रिटेन्ड ए लेटर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 24, क्वेश्चन में 24 कहता है दे स्टेड द डिपुट एमिकेबल, चार ऑप्शन आपके सामने है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, जल्दी इसका पैसिव वॉइस क्या जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे, क्या लगा रहे, द डिस्पुट वाज एमिकेबल स्टेड, राइट ऑप्शन क्या होगा, स्टेड, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इट हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इसका बनाइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का कमाल का क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, इट वाज टू बी डन एट एनी कॉस्ट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, वी हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 26 का आंसर लगाओ क्या होगा, ही सेड टू मी माई गॉड ब्लेस यू, चार ऑप्शन है आपके सामने है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, भाई बड़ा दिन का आप सभी को जो बधाई है, हैप्पी मैरी क्रिसमस डे, समझ गए, चलिए दिमाग से निकल गया था, सभी को बता दे आज क्रिसमस डे है, आप सभी को दे सारे शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, अरे वाह, चलिए ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड, चलिए बहुत बढ़िया रिबो, क्वेश्चन में 27 का आंसर लगाओ क्या होगा, द गर्ल आस्क्ड मी हु आई वाज, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसका डायरेक्ट नरेशन बनाइए क्या होगा। क्वेश्चन में 27 का, क्वेश्चन में 27 डायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, द गर्ल सैड टू मी होता है, डायरेक्ट नरेशन में सैड टू मी लगाएगा, सैड टू लगेगा, मी और हु आर यू हो जाएगा, हु आर यू, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते मेरे शेर से नहीं हो, क्वेश्चन आ चुका है, हाँ भाई हैप्पी क्रिसमस डे एवरीवन, चलिए बहुत सुंदर रिवो, सभी को जो है ना ढेर सारी शुभकामनाएं। क्वेश्चन आ चुका है 28 का आंसर लगाओ क्या होगा, स्टूडेंट्स आर इन इंपैक्टेंट दैट्स द रिजल्ट्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, क्या जगह, सॉरी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, चलिए जल्दी बता, बाद में क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, बाद में स्टूडेंट्स आर इंपॉर्टेंट दैट्स द रिजल्ट्स, क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, फॉर हो जाएगा, फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आज का आपके सामने 29 का आंसर लगाओ क्या होगा, कमाल का क्वेश्चन है 29, क्या होगा, माय आंटी मैकी विथ हिम डेथ्स बैक दैट्स आवर स्कूल डेज, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन में 29 का क्या होगा, बाद में टू हो जाएगा, टू आवर स्कूल हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, बी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाओ क्या होगा, वी वेयर हॉरीफील्ड दैट्स द साइंट, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हुआ, साइट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का जो बच्चे ऑप्शन में लगा रहे हैं ना, क्या लगा रहे, एट साइट, उनका एट द साइट उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या हुआ, एट द साइट लगेगा, राइट ऑप्शन में वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिकंदर भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलिए कहते हैं बड़े दिनों के बाद आपकी दर्शन हुआ है, चलिए हैप्पी मैरी क्रिसमस डे, चलिए बहुत बढ़िया एडिटर एसके,
चलिए क्वेश्चन 31 का आंसर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है? क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाइए, फटाफट आंसर लाना चाहिए सभी स्टूडेंट का। चलिए बात बने, क्या हुआ, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, ये सही सेंटेंस है। राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में चुका 32 का था, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, फटाफट आंसर लगा। क्वेश्चन 32 का क्या होगा, आई हैव ए होमवर्क टू डू, सही है, बिल्कुल नहीं है, सही है। क्वेश्चन में 32 था, आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क, ये सही है, यहाँ पर ए लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 33 का, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आई हैव बीन वर्किंग फॉर, फॉर यहाँ पर आ गया, फॉर नहीं होगा, ये गलत है, आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, ये सही है, पूरे रात वर्किंग यानी काम किया। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने यहाँ पर 34 का आंसर लगाओ, चिल्ड्रन डैश चॉकलेट्स, चार ऑप्शन है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, क्या होगा, चलिए बता। चलिए बहुत बढ़िया, मेरा अभी ऑफलाइन क्लास है, चलिए भाई साहेब, चलिए कोई बात नहीं, क्लास कर लीजिए, बाद में भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, लाइक, क्या होगा, लाइक चॉकलेट, क्या होगा, चिल्ड्रन लाइक, क्या होगा, लाइक चॉकलेट। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाले बच्चे का बिल्कुल लाइक का ऑप्शन आया भाई, लाइक भी कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई एम, चलिए क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 35 का आंसर लगाओ, क्या होगा, क्या होगा, चलिए बता, बहुत नया, ए स्नेक के मर डैश कोबरा ए पॉइजन स्नेक, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। 35 का बात बने, क्या होगा, जरा बता, कैचेज, राइट ऑप्शन क्या होगा, बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर 36 का, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ट, चार ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में 36 का मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, बात बने, क्या होगा, वो क्या, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क, क्या होगा, वर्क हार्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए मेरे सही आंसर नहीं हो, क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 37 का, आप लोग आंसर लगाओ, क्या होगा, क्वेश्चन में 37 कहता है, आई मिस्ड द बस, आई मिस्ड द बस, आई वाज लेट, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सेंटेंस उसके लिए सुटेबल है, चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ। 37 का राइट आंसर, अरे वाह चबास, आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वाज लेट, इसका मस्ट जो है ना सुटेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाले बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है। चलिए मेरे सही आंसर नहीं हो, क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, दिस इज द हाउस माय पेरेंट्स लिव हर, चले चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें जो है ना मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन लगाना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 38 का राइट आंसर क्या होगा, शानदार क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या होगा, दिस इज द हाउस, यहां तक सही है, वेयर, यहां पर वेयर लग जाएगा सुटेबल कॉम्बिनेशन में, माय पेरेंट्स लिव हो जाएगा, लिव्ड। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो बच्चे एक के साथ जा रहे हैं 38 का, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए वाले बच्चे शानदार आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 39 आ चुका है, करका है ही डैश कम टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 39 का जल्दी से लगाओ, मेरे से आंसर नहीं हो, बाद में ही मे होगा, क्या होगा, ही मे कम टुमारो हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 40 का आता है, डॉट 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 आई ब्रो योर अम्ब्रेला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। 40 का राइट आंसर क्या होगा, बाद में मे आई ब्रो योर अम्ब्रेला हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर मे लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे शेर ऐसे नहीं हो, क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है, क्वेश्चन 41 का डैश योर यू पास वन द सेल्ट, चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर लगाओ, क्या होगा, चूज द
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन में 41 करेक्ट आंसर जो बच्चे ला रहे कोल्ड कोड उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, मेरा तो नहीं है, हम देख लेते भाई, नहीं मेरा तो चल रहा है ज्वाइन, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए यहाँ पर चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग सही है स्ट्रीम का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है मेरे प्यारे सुन जल्दी बता। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या होगा, अरे वाह वाह भाई वाह, क्या जगह एक्सट्रीम ऑप्शन क्या होगा, ई एक्स टी आर ई एम ई एक्सट्रीम होता है, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा बाउंड यहां। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन में जगह आर ई सी ओ जी एन आई एस रिकॉर्डनिस, राइट ऑप्शन क्या होगा ये वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर 44, क्वेश्चन में 44 होता है आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू कम टू माय डेस्क सो दैट वी कुड प्ले, चार ऑप्शन है, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यहाँ पर कौन सा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन लगेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, 44 का आंसर लगाओ मेरे से नहीं हो जल्दी से बाग में, क्या जगह आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू कम टू माय हाउस, क्या होगा हाउस यूज होगा क्या, हाउस टू सो दैट वी कुड प्ले हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो क्या होगा डी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 45, अब क्वेश्चन में 45 कहता है इकोजनिस, हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन में पर 45, वन इज फील्ड विथ डैश वेन वन हार्ट ऑफ ए हैप्पी इंसिडेंट, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट लगाओ क्या होगा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन में 45 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया जॉय, क्या होगा जॉय जगह जॉय, राइट ऑप्शन क्या होगा ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है, सी डैश सिक्स बुक्स वन इंडियन मैथोलॉजी चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, चार ऑप्शन आपके सामने है, 46 का राइट आंसर क्या होगा हैज रिटेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका शानदार आंसर है। चलिए मेरे शेयर ऐसे नहीं हो, क्वेश्चन में 47 आ चुका करा है, माई बिलोव्ड ऑफ्टन डैश मी इन द इवनिंग, चार ऑप्शन है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन में 47 का, बिसाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन में जो बच्चे ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48 का आंसर लगाओ, आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, चार ऑप्शन आपके सामने है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन 48 का मेरे शेर, बहुत बढ़िया, क्या होगा आर यू डूइंग होगा, क्या लगेगा यहाँ पर डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अब आ चुका है क्वेश्चन में पर, क्वेश्चन में पर 49, क्वेश्चन में 49 कहता है विराट कोहली डैश फॉर इंडिया चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन 49 जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, क्यों विराट कोहली जो इंडिया के लिए खेलते हैं, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट अब आ चुका है क्वेश्चन में 50 का आता है क्या, ही सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली चूज द करेक्ट ऑप्शन विच द इटेल्स, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट लगाओ क्वेश्चन में 50 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, अरे वाह चवा सुपर, क्या होगा नाउन क्लाउज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन में जो बच्चे ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होगा बाद में नाउन क्लाउज है ये इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का क्लास कैसा लगा सब बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आप लोग ये भी बताएगा 50 में आपका कितना क्वेश्चन 50/50 सही हुआ है या 50 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है सभी बच्चे लाइव चैट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, समझ गए।
लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना है। आपको बता दे डेली क्लास 8 बजे सुबह में चलता है, आप लोग तैयार रहा करिए, समझ गए। चलिए भाई आप चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर, चलिए बहुत सुंदर, 38 को सही हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, सिनेमा 4K मूवी, चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा सर, नो नो, चलिए चलिए अब जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है अगले दिन चलेगा, चलिए करेक्ट क्वेश्चन।